और वो भी किस्मत होगी तो पाड़े का ब्रांडेड कपड़े हाथ लगेंगे पढ़ने में। हाँ जी, मैं चुनाव राजकुमार जी लड़ रहे थे, अगर मैं चुनाव लड़ता तो समीकरण टोटल विपरीत होते, इसके मैं चुनाव जीतता। ये हमारा जो स्टाफ था, पीए वगैरह, इन्हीं की कारगुजारियाँ हैं, इनके नलायकी में इन्होंने मेरे को बताया नहीं, उड़ते हुए चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। हाँ जी, न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। कार्यक्रम आज का जोधपुरिया गांव का जो है वो बहुत ही बढ़िया रहा। ये टोटल फैमिली प्रोग्राम है, जनता हमारा परिवार है, मैं कोई राजनीतिक तरीके से नहीं आया यहाँ, पुराना मेरा लगाव है, जुड़ाव है इस गांव से, और ये पंजवाणा के बाद तीसरा गांव ये आता है तो मेरा बहुत आना जाना रहता है, गांव में भी बार से राम राम करता हूँ, इसलिए मैं जनता के बीच आया हूँ। जनता की नब्ज भी टटोली है, जनता चौधरी साहब के साथ है और वोट डट के साथ है। यहाँ के मुझे चाय का जलपान का जो अवसर मिला मैं बड़ा खुश हूँ उससे, और यहाँ बस खुशी खुशी आया हूँ। आने वाले समय में जो सब किस तरह के प्रोग्राम आपके जो है वो रहने वाले हैं? आने वाले समय में जी प्रोग्राम जो रहेंगे वो रानिया हल्के के मेन फोकस होगा, और रानिया हल्के के गांव गांव के अंदर हम जाएंगे, और जो चोर साहब ने विकास कार्य किए हैं उसके बारे में जनता को अवगत कराने के साथ जनता से पूछेंगे, जो कार्य नहीं हुए उन्हें हम काम को कराएंगे, और जनता के सुख दुख में हम साथ हैं, जो जनता अपने अपने विकास कार्य बताएगी हम जनता के काम करेंगे। तो आपने कहा कि लोग फिर आएंगे वोट मांगने के लिए। हाँ जी, उनके पास एक सीट है। तो आप जैसे सड़कनामा से हैं और ये के हरियाणा से हैं, आप दोनों भी आज खड़े हुए सवाल जवाब पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कल को विधानसभा में मैं चोर साहब खड़े हों, सामने इनेलो वाले खड़े हों, आपस में एक दूसरे से सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तैयारी हमारी सारी बढ़िया है जी, जो जनता जिसके साथ हो उसकी तैयारी तैयारी रहती है, और कोई जरूरत नहीं होती, जनता साथ ही है। तो आपने कहा भी अगर मैं काम ना करूं तो मेरे कपड़े फाड़ लेना। हाँ जी बिल्कुल, फाड़ लेना जी, और वो भी किस्मत होगी तो पाड़े का ब्रांडेड कपड़े हाथ लगेंगे फाड़ने में। हाँ जी, मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ, मैं वजन कम करूँ तो पुराने तो फेंकने ही पड़ेंगे ना। हाँ जी, तो जी एक जिला परिषद की बात करें तो उसमें जब जनता ने आपका साथ नहीं दिया तो उसके बाद लगता है कि कहीं ना कहीं जनता आपके साथ नहीं? जी, जनता हमारे साथ है, मैं तो चुनाव लड़ा ही नहीं, चुनाव राजकुमार जी लड़ रहे थे, अगर मैं चुनाव लड़ता तो समीकरण टोटल विपरीत होते, इसके मैं चुनाव जीतता और 3-4 हज़ार वोटों से जिला परिषद का चुनाव मैं जीतता, और अगर मैं जीतता तो बात ही और होती, इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है। ये हमारा जो स्टाफ था, पीए वगैरह, इन्हीं की कारगुजारियाँ हैं, इनके नलायकी में इन्होंने मेरे को बताया नहीं कि आदमी जो कंटेस्ट करे इलेक्शन उसका वोट गांव के अंदर होना चाहिए, शहर में नहीं, और मेरा वोट शहर के अंदर है। दौबे सिंह ने कहा कि ये तो राजकुमार था, अगर गगनदीप होता तो कई हज़ार वोटों से आता। और जी वो तो उनके गणित करने की बात है, जितनी उंगलियाँ उतने गणित उनके हैं, और आज के टाइम गणित करना मैं उंगलियों से तो गणित करता नहीं, मेरे पास तो फ़ोन है मोबाइल का, वो भी आईफोन, उसके अंदर भी कैलकुलेटर से गिनती करता हूँ, जो कि अंक दिखते नहीं वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, उसके अंदर उड़ते हुए चिड़िया के पर गिन लेता हूँ मैं। हाँ जी, तो पूरी तरह से तैयार है, एकदम सॉलिड तरीके से तैयार है जी, सॉलिड तरीके से तैयार है। सॉलिड का मतलब आप समझते हैं, हम सॉलिड तरीके से तैयार हैं, हमारी जनता तैयार है, चुनाव आए तो इस चीज़ को हमारा नया चुनाव नहीं होगा, ये चुनाव जनता हमारा रिन्यू करके देगी दोबारा चुनाव। तो आप चूंकि फील्ड में उतरे हैं, सूर्य प्रकाश भी आपके साथ है, हाँ जी, साहब भी घूम रहे हैं, हाँ जी, पिछले दिनों दीपेंद्र हुड्डा ने भी यहाँ कार्यक्रम किए, हाँ जी, और रानिया हल्का में 3-4 बड़े कार्यक्रम जी, तो क्या उनको कन्नम करने का प्रयास है? देश में डेमोक्रेसी है जी, कोई भी फिर सकता है, कोई भी कहीं घूम सकता है, बड़ी यात्राएं हुई, राहुल गांधी भी यात्रा करके घूम गया, थक गया, बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं क्या किसी का जिक्र करूँ छोटी मोटी चीज़ का। चुनाव जो है पूरी तरह से चौथा भी लड़ेंगे? चौधरी रणजीत सिंह जी चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है रानिया हल्के की जनता उन्हें फिर से एक अवसर देगी एमएलए बनने का और उन्हें जिताएगी। तो निर्दलीय ही लड़ेंगे या बीजेपी से या किस तरह से? ये तो समय की बात है, आज बीजेपी के साथ है, बीजेपी की सरकार में, तो निश्चित है कि बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। हाँ जी।